हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आर चैनल। इट्स ऋतिक, यू आर वाचिंग ऋतिक आर्ट क्रिएशन। सो आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ स्टैनली का पोर्ट्रेट, जो कि हमारे और आप सभी के इंस्पिरेशन है ही हैं, तो जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर दिए हैं, थॉर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन। तो मैं तो वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मार्वल और एमसीयू का। तो आज की वीडियो में मैं बनाऊँगा पोर्ट्रेट किनसे, इससे जी। ये ट्राइंगल कलर पेंसिल, मेरे को नाम भी नहीं पता था, मैं बस ले आया था, पहले ख़रीदे थे, तो मैं इनसे बना के दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छे हैं, मैं इनसे दो तीन पोर्ट्रेट बनाया, MS धोनी का भी बनाया था, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, नहीं देखी तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई बटन पे क्लिक करिए और जाइए। और वैसे भी बहुत अच्छे पेंसिल कलर हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पॉलीक्रोम चाहिए या प्रिज्मा कलर चाहिए, बिगनर्स को तो उसके लिए तो बेस्ट है यार ये। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि महंगा ड्राइंग मटेरियल कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता सिर्फ आपकी स्किल्स। अगर आपके अंदर एक अच्छी स्किल है और आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप चाहें तो इससे भी लो क्वालिटी वाले कलर से भी अच्छे से अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो जाने से पहले, मतलब स्टार्ट करने से पहले, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी घुसा या तमाचा मार के कैसे भी कैसे प्रेस कर दीजिए, और एक जो लाइक बटन होता है ना वो भी दबा दीजिए, और जब वीडियो ख़त्म हो जाए ना तो एक कमेंट छोड़ दिया कैसा लगा आपको, आपको कलर्स कैसे लगे, या कुछ सजेशन देना है, या फिर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट कर दीजिए। तो आने वाले वीडियोस में मैं और भी चीज़ें लेके आना होगा, ये तो सिर्फ एक टाइमलेस वीडियो है, आप इसमें देखिए कि किस तरीके से एक कलर का जो जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। और आने वाले समय में मैं ट्यूटोरियल्स भी लाऊँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे वीडियो के साथ आऊँगा, ताकि आप लोग वो हेल्पफुल हो और आप उससे जो हैं कुछ नॉलेज गेन कर सकें। और आप तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं।